जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर। क्योंकि दोस्तों अभी ये टर्म जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये काफ़ी चर्चा में है, ये काफ़ी न्यूज़ में है, तो आज के इस वीडियो हम इसी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो हम क्या क्या देखेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या न्यूज़ है, आखिर ये टर्म नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये इतनी चर्चा में क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है। इसको समझने के बाद हम ये समझेंगे कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है, इसे क्यों लाया जाता है, इसको समझेंगे। इन सबको समझने के बाद, चूँकि ये रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ लाया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसलिए हम ये समझेंगे कि जो वर्तमान में रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की, क्या उसे चिंता करने की ज़रूरत है कि उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझने के बाद हम ये समझेंगे कि क्या कभी आज से पहले भी, मतलब पास्ट में कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है या केवल पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, मतलब हम पास्ट में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आए हैं उनको भी इसी वीडियो में समझ लेंगे। इन सबको समझने के बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उसको समझेंगे, मतलब ये भी देख लेंगे इसी वीडियो में कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम सबको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ की कि आखिर ये टर्म जो है इतनी न्यूज़ में क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है। तो दोस्तों जो अभी हमारे लोकसभा स्पीकर हैं वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला जी हैं, ये हमारे लोकसभा स्पीकर हैं वर्तमान में। इन्होंने अभी एक्सेप्ट किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब इनके द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट किया गया है जो कि अपोजिशन द्वारा लाया गया था रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ 26 जुलाई के दिन, मतलब 26 जुलाई के दिन अपोजिशन द्वारा रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था जिसे ओम बिरला जी ने, जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब हम ये समझते हैं कि इसे किसने इंट्रोड्यूस किया लोकसभा के अंदर और इसकी मंशा क्या, इसके पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों इसे जो है कांग्रेस पार्टी के एक MP हैं गौरव गोगोई जी, उन्होंने जो है इसे जो है इंट्रोड्यूस किया है। उनका डिमांड ये है, उन्होंने इसको इसलिए जो है इंट्रोड्यूस किया है, उनका डिमांड ये है कि जो मतलब स्टेटमेंट वो चाहते हैं सिचुएशन के मणिपुर के, किसके द्वारा स्टेटमेंट चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, मतलब वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के सिचुएशन पे कुछ बोलें, इसलिए वो जो है इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को। तो दोस्तों ये बात हो गई। अब हम ये भी समझ लेते हैं क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन को बिना इंट्रोड्यूस किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उनका कहना ये, इसको भी यही समझ लेते हैं, तो उनका कहना ये है कि उनके पास कोई और जो है अल्टरनेटिव नहीं, मतलब कोई और रास्ता नहीं बचा है सिवाय नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करने की, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है उनकी डिमांड, किनकी डिमांड, अपोजिशन की डिमांड कि वो एलोबरेट डिस्कशन करें नरेंद्र मोदी जी द्वारा मणिपुर के बात पर। मतलब उनका कहना ये है कि अब जो रूलिंग गवर्नमेंट है मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट है उनकी बात को नहीं मान रहे कि वो जो है एलोबरेट डिस्कशन करें, मतलब डिटेल में डिस्कशन करें मणिपुर के मुद्दे में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसलिए जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है यहाँ पे ला रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब चलिए समझते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, चूँकि हमारी जो कंट्री है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, हमारी कंट्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, और कोई भी गवर्नमेंट तभी तक पावर में रह सकती है जब तक कि वो कमांड करे मेजॉरिटी, मतलब जब तक उसका कमांड हो मेजॉरिटी के ऊपर लोकसभा के अंदर, मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस की यहाँ जो बात कही गई है ये लोकसभा की बात कही गई, किसकी बात कही गई है, लोकसभा की बात कही गई है, क्योंकि जो राज्यसभा होती है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है और जो लोकसभा होती है ये डायरेक्टली इलेक्टेड होती है। तो यहाँ पे कहना ये है कि कोई भी गवर्नमेंट तभी तक जो है पावर में रह सकती है जब तक कि वो कमांड हासिल करे मेजॉरिटी के ऊपर लोकसभा के, मतलब जब भी कोई गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी में होगी लोकसभा में तभी जो है वो रूल कर सकती है, वो पावर में रह सकती है। अब दोस्तों इसके बाद ये देखते हैं आर्टिकल 75 का जो क्लास 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के लिए, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के लिए। तो दोस्तों ये बात हो गई, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल नंबर 75 का क्लास 3। तो दोस्तों यहाँ पे इतना हमने समझा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि फॉर टेस्टिंग दिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए
द रूल ऑफ लोकसभा प्रोवाइड अ पार्टिकुलर मैकेनिज्म, मतलब जो लोकसभा का रूल है ये एक पार्टिकुलर मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसे आप नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, मतलब ये चेक करता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोकसभा के अंदर वो है कि नहीं है, इसी को चेक करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। अब दोस्तों ये कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, हम इसको भी समझ लेते हैं कि मतलब क्या इसे कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है कि या इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि कोई भी लोकसभा का एमपी, दोस्तों यहाँ पे लोकसभा के एमपी की बात कही गई है, राज्यसभा का एमपी जो है इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है, केवल लोकसभा का एमपी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों एनी लोकसभा एमपी, मतलब कोई भी लोकसभा एमपी हो जिसे जो है सपोर्ट मिला हुआ 50 मेंबर्स का, मतलब लोकसभा का एमपी भी होना चाहिए साथ ही साथ उसे 50 मेंबर्स का सपोर्ट भी मिला रहना चाहिए, तो फिर किसी भी टाइम वो जो है इंट्रोड्यूस कर सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर वो इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है कि वो जो है लोकसभा में एमपी हो साथ ही साथ उसे 50 मेंबर्स का सपोर्ट प्राप्त हो, तो फिर वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस कर सकता है लोकसभा के अंदर। बट दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में मिनिमम टाइम जो होगा वो 6 मंथ का होगा, मतलब दो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में जो टाइम होगा वो 6 मंथ का होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जब ये इंट्रोड्यूस हो जाता है लोकसभा में, उसके बाद दोस्तों इस पे डिस्कशन होता है, मोशन पे जो है डिस्कशन होता है, उसके बाद जो भी एमपी सपोर्ट में आते हैं और जो भी एमपी अगेंस्ट में आते हैं अपना वोट डालते हैं, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास हो जाता है तो जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होगी उसे जो है रिजाइन करना होगा, उसे मतलब वापस को वैकेट करना होगा। तो दोस्तों इतना हमने समझ लिया, अब इसके बाद हम साथ में साथ ये भी देख लेते हैं कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसे केवल जो है लोकसभा में मूव किया, मतलब लोकसभा में लाया जा सकता है, इसे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने कई चीज़ें देखी, हमने यहाँ पे केवल देखा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है लोकसभा से, इससे राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, इसे इंट्रोड्यूस भी लोकसभा में किया जा सकता है। इसे कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, लोकसभा का एमपी केवल इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो ये आपको समझना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने समझा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये होता क्या है। अब चलिए आगे हम समझते हैं कि जो अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है क्या इसे इससे रिलेटेड चिंता करनी चाहिए कि उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट को चिंता करनी चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं, गवर्नमेंट को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है हम इसको भी देख लेते हैं। चूँकि दोस्तों हम सबको पता है कि लोकसभा में जो मेजॉरिटी क्या होती है 273 होती है, 273 कैसे होती है, 50% + 1, टोटल लोकसभा में सीट कितनी है 545 सीट्स है, तो इसका 50% + 1 क्या होगा 273, मतलब किसी भी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी में रहने के लिए कितनी सीट की कितने एमपी के साथ चाहिए 273 एमपी का साथ चाहिए, तो भी वो जो है मेजॉरिटी में रहती है, कोई भी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में कही जाती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं कि जो हमारी अभी वर्तमान में NDA गवर्नमेंट है उसके पास 331 मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं 331 मेंबर्स हैं। दोस्तों जो NDA गवर्नमेंट इस जो दोस्तों अलायंस है इसमें BJP भी शामिल है, अगर हम केवल BJP की बात करें तो दोस्तों केवल BJP के पास 303 MP हैं, मतलब 303 MP केवल BJP के पास हैं, और अगर BJP और को मतलब NDA के साथ जोड़ के देखें तो उसके पास कितने मेंबर्स हैं 331 मेंबर्स हैं। तो दोस्तों ये मेजॉरिटी से कई ज़्यादा नंबर होता है, इसलिए जो है रूलिंग गवर्नमेंट को कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो सकता क्योंकि वो जो है मेजॉरिटी से काफ़ी ज़्यादा नंबर में उनके पास मेंबर्स सपोर्ट में हैं। अब दोस्तों ये हमने देखा, उसके बाद अगर दोस्तों हम ये एक सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सभी नॉन NDA जो पार्टीज हैं, जो भी नॉन NDA पार्टीज हैं वो सभी साथ में हो जाएं, जबकि ये बहुत ही संभव नहीं है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, फिर भी दोस्तों BJP को जो है कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो न्यूली नेम्ड इंडिया है, मतलब जो कांग्रेस पार्टी अभी कुछ जो है कई लोगों के साथ अलायंस बना के रखा हुआ है उन्होंने, तो उनके पास अभी टोटल MP कितने हुए हैं उस अलायंस के पास टोटल MP जो है 144 हुए हैं, मतलब वो जो सब लोग गठबंधन करके रखे हैं गठबंधन में भी उनके पास कितने MP हो रहे हैं 144 MP हो रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गए। उसके बाद जो न्यूट्रल पार्टीज हैं, मतलब जो पार्टी किसी के पक्ष में नहीं है,
उनके पास अभी वर्तमान में कितने एमपी हैं? 70 एमपी उनके पास हैं। वो पार्टीज कौन कौन से जो कभी न्यूट्रल हैं, जैसे कि बीआरएस पार्टी हुई, वाईएसआरसीपी पार्टी हुई, बीजेडी पार्टी, ऐसी पार्टी जो है न्यूट्रल पार्टी हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा कि क्या गवर्नमेंट को चिंता करने की ज़रूरत है। दोस्तों इसको हमें ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बीजेपी का ग्राफ है। तो दोस्तों बीजेपी का मैंने कितना मेम्बर बताया, 303 मेंबर्स। तो दोस्तों 303 मेंबर्स का अगर हम यहाँ पे निकालें ग्राफ के थ्रू, तो दोस्तों 303 मेंबर्स होता है 54.9, मतलब कि 55% जो है अकेले बीजेपी के पास है। अगर हम बीजेपी को एनडीए के साथ जोड़ के देखें तो बीजेपी और एनडीए के पास मिला के टोटल कितने मेंबर्स हैं, 60% मेंबर केवल इन्हीं दोनों के पास हैं। और जो इंडिया यानी कि जिस इंडिया के पास कितने एमपी हैं, 144 एमपी हैं। तो अगर इसको हम परसेंटेज में देखें तो इनके पास टोटल कितने एमपी हैं, 26.1% एमपी हैं। और जो न्यूट्रल पार्टी उनके पास कितने एमपी हैं, 13.9%, मतलब 14% एमपी उनके पास हैं। तो ये हमने देखा कि इनके पास जो एनडीए गवर्नमेंट है उनके पास 60% जो है मेंबर्स हैं, इसलिए उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पास हो सकता है। अब ये देखते हैं क्या कभी पास्ट में जो आज से पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया गया है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम जो लोक जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था ये थर्ड लोकसभा में आया था, मतलब थर्ड लोकसभा में, मतलब 1963 में फर्स्ट टाइम ये आया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि आचार्य जे बी कृपलानी द्वारा लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट के खिलाफ। मतलब आचार्य जे बी कृपलानी द्वारा अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी के खिलाफ ये जो है लाया गया था, ये मोशन लाया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन का फर्स्ट टाइम में। उसके बाद दोस्तों अभी तक टोटल 26 जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुके हैं, बट उसमें जो है लेटेस्ट वाला, मतलब अभी का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसको काउंट नहीं किया गया। अगर इसको हम काउंट कर लेते हैं तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 27, मतलब 27 पॉइंट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आज से पहले, मतलब लास्ट टाइम कब ये आया था, तो लास्ट टाइम ये 2018 में आया था। ये भी दोस्तों नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ ही आया था, बट ये जो है टीआरएस के द्वारा लाया गया था। टीआरएस मतलब तेलंगाना की एक पार्टी है, उनके द्वारा ये लाया गया था। अब दोस्तों अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा किसके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, तो वो इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया। मतलब इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उनके टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। अगर नंबर की बात करें तो नंबर है 15 टाइम्स, मतलब 15 टाइम्स उनके टाइम में लाया गया था। उसके बाद हम ये भी समझ लेते हैं क्या कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है कि नहीं पास हुआ है। तो दोस्तों लोग बोलते हैं कि मोरारजी देसाई के टाइम में, जब मोरारजी देसाई पीएम थे तो उनके टाइम में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था, बट ऐसा नहीं है। 1979 में जब मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट उन्होंने रिजाइन कर दिया था नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होने से पहले। मतलब इससे पहले कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो उससे पहले ही उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था। मतलब कि मोशन पास नहीं हुआ था कि उन्होंने रिजाइन किया, उससे पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनको लगा था कि मोशन पास हो जाएगा इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब हम ये समझते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट, क्या इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों एक क्वेश्चन जो इससे पूछा जा सकता है ये कि मतलब ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, और नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड बाय लोकसभा एमपी इफ ही आर सी फील दैट द गवर्नमेंट इन पावर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। मतलब ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि मतलब इसे किसी भी लोकसभा एमपी द्वारा लाया जा सकता है अगर उसे लगता है कि जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ़ मोर देन 50 एमपी सपोर्ट द मोशन आर डिबेट इनिशिएटेड, ये भी सही है कि मतलब 50 मेंबर्स का सपोर्ट नेसेसरी है उसके बाद ही जो डिबेट चालू होगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट कैन नॉट बी ब्रॉट अप अगेंस्ट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, ये तो गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ लाया जा सकता है, और ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसे रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। और लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ द गवर्नमेंट लूजेज द मेजोरिटी इन नो कॉन्फिडेंस मोशन देन इट हैज़ टू रिजाइन, ये सही है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, थर्ड वाला है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बोलता है विथ रेफरेंस टू नो कॉन्फिडेंस मोशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आर नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड स्टेट द रीजन फॉर इट अडॉप्शन इन लोकसभा। ये सही है कि मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन के जो अडॉप्शन के लिए रीजन आपको देना होगा लोकसभा के अंदर, तभी अडॉप्ट किया जाएगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज वेल एज अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर। ये भी सही है, इसे जो है इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है या फिर किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इफ इट इज पास्ड इन लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। ये भी सही है, मतलब यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन सही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। ये दोस्तों यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। ये बोलता है कि हमें कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सही बात है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कहीं पे मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, अब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। ये भी सही बात है, केवल इसे लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, मतलब वन और टू दोनों स्टेटमेंट जो है राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड इन लोकसभा नीड द सपोर्ट ऑफ, यहाँ पे 80 मेंबर्स नहीं है, यहाँ पे आंसर है 50 मेंबर्स, मतलब 50 मेंबर्स का उसे सपोर्ट चाहिए तभी जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तभी वो एडमिट किया जा सकता है। और इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम पीरियड बिटवीन टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब दो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में क्या टाइम पीरियड होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया 6 मंथ का जो है टाइम जो है नेसेसरी है, मतलब 6 मंथ के अंतर में ही जो है दो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों क्या लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बनता है, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ फेस्ड द मोस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब किसके टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। तो दोस्तों वो है इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, मतलब जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम सबसे ज़्यादा जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बट मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड कोई भी जो है डाउट नहीं होगा, अभी तक जो भी था सब मैंने इसमें जो है इंक्लूड कर दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई आपको डाउट है या फिर वीडियो आपको कैसे लगी या फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।